कानून व्यवस्था व सड़क सुरक्षा के संबंध में लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी जिलों के अधिकारियों को हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर साइन बोर्ड लगाने के दिए निर्देश। प्रेमी मारुति नंदन मौर्य उर्फ पवन मौर्य ने ही किया था अपने प्रेमिका सरिता मौर्य की हत्या। घटना में शामिल प्रेमी को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। जिलाधिकारी के निर्देशों की पिलर्स पब्लिक स्कूल ने उड़ाई धज्जियां। बढ़ती ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का जिलाधिकारी ने दिया था निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, मामला प्रकाश में आया है, जांच कर की जाएगी विद्यालय के खिलाफ कठोर कार्रवाई। इकतीस दिसंबर की रात ग्राम मछली गांव टोला परसौनी में युवक को मारपीट कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों मनोज और सन्नी को कैंपियागंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। सोमवार को ब्रह्मा यादव नाम के युवक की लोहसी गांव के बाजार में मनबड़ों ने चाकू से रेता गला। मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, युवक को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया है भर्ती, चल रहा है इलाज। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा किया गया है पंजीकृत, जल्द होगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। मारपीट करने व हत्या के प्रयास के आरोप में चार अभियुक्तों को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त दो चाकू किया बरामद, भेजा जेल। मारपीट करने, अवैध रंगदारी मांगने, अवैध हथियार रखने व हत्या का प्रयास करने के अपराध में संलिप्त पांच अभियुक्तों के ऊपर झंगा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। सैनी समाज के पदाधिकारी एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई माता सावित्रीबाई फूले की जयंती। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, देश में पहला महिला विद्यालय बनाकर सावित्रीबाई फूले नारी शिक्षा एवं समानता के लिए करती रही आजीवन संघर्ष। जनपद में अब नियंत्रण में है कोविड। कोविड के मिले थे कुछ पेशेंट, अब वो सभी बिल्कुल ही हैं स्वस्थ। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए कहा, फिर भी लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सावित्रीबाई फूले की जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, सावित्रीबाई फूले ने देश में पहला महिला विद्यालय को किया स्थापित, महिलाओं की शिक्षा पर दिया था विशेष ध्यान। स्वर्गीय ओमलता शाह पत्नी परमानंद शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में 4000 से अधिक लोगों में कंबल व भोजन पैकेट का किया गया वितरण। लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की गई अपील। अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में वन निगम द्वारा हो रही है बैटरी संचालित साइट सीन वाहन। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अधीन उत्पाद को आमजन को फुटकर बिक्री के लिए चिड़ियाघर में ही है उपलब्ध। वन निगम के क्षेत्रीय आपूर्ति प्रबंधक पीएन त्रिवेदी ने दी जानकारी। और जनपद में बीते दो दिनों में बर्फीली हवा, ठंड व शीतलहर से लोगों का जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त। नगर निगम शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों को ठंड से राहत पाने के लिए कर रहा है अलाव की व्यवस्था।